डुमरी विधानसभा उपचुनाव 2023 को लेकर डुमरी विधानसभा के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदान आरंभ हो गए हैं। मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतार सुबह से ही देखने को मिल रही है। वहीं मतदान के लिए बड़े बुजुर्ग भी मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मतदान केंद्रों में मतदान दे रहे हैं। इसी क्रम में बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड के अपने घर के पास अलारगो के उत्क्रमित मध्य विद्यालय अलारगो के बूथ संख्या 347 में इंडिया गठबंधन और जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी ने वोट किया। मंत्री बेबी देवी और डुमरी विधानसभा की जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी ने वोट करते हुए कहा कि जीत के प्रति आश्वस्त हैं। जीत के बाद मंत्री के अधूरे काम को पूरा करने का काम करेंगे। बताते चलें कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुके हैं और शाम को 5 बजे तक चलेंगे। 8 तारीख को परिणाम आना है। इस दौरान भारी संख्या में लोग भी कतार बंद होकर मतदान कर रहे हैं। बोकारो के 2 प्रखंड नवाडीह और चंद्रपुरा प्रखंड में कुल 174 बूथों पर मतदान हो रहे हैं। डुमरी प्रखंड में 199 बूथों पर मतदान हो रहे हैं। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए जिला प्रशासन हर संभव कार्य कर रहा है। साथ ही मतदान केंद्र पर भारी मात्रा में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें जिला बल से लेकर CISF के जवान की तैनाती की गई है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बेबी देवी ने अपना मतदान किया है, जहां मतदान के बाद पत्रकारों से कहा कि जीत सुनिश्चित है। वोट दे दिए अब अपना। कुछ अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से, शांतिपूर्ण तरीके से वोट हो जाए मतदान केंद्रों पे, क्या अपील करेंगे आप? मंत्री जी के आशीर्वाद है, सब जनता में रही है। अब 8 तारीख के बाद ही जीत तो है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए बोकारो से विश्वकर्मा भारती की रिपोर्ट।